हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ही गगन, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ही गगन। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये खुशहाल धरती, ये रंगीन धरती, ये खुशहाल धरती, ये रंगीन धरती। फूलों की खुशबू से महकी ये धरती, फूलों की खुशबू से महकी ये धरती। ये खुशहाल धरती, ये रंगीन धरती। शीतल पवन के ये मदमस्त झोंके, शीतल पवन के ये मदमस्त झोंके। ऋषियों और मुनियों को जंगलों में होके, नदियों की लहरों पर बहती ये चांदनी, नदियों की लहरों पे बहती ये चांदनी। पेड़ों के झुरमुट में पक्षियों की रागिनी। ये खुशहाल धरती, ये खुशहाल धरती, ये रंगीन धरती। हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे और ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और ये जो मैंने अभी एक गाने की कुछ लाइनें आपको सुनाई, ये लिखा है मेरी बड़ी सिस्टर वीना सिद्धू तनेजा ने। और जब उन्होंने ये गाना लिखा तो उन्होंने किस धरती की कल्पना की? बरसों पहले जब यहाँ पर धरती पर पेड़ पौधे थे, कोई पॉल्यूशन नहीं थी, ऋषि मुनि जंगलों में वास करते थे। और क्या आज की इस प्लेनेट अर्थ के बारे में हम यदि सोचें, तो क्या हम ऐसा कोई पॉजिटिव गाना अपनी इस अर्थ के बारे में गा सकते हैं? सोचो, थोड़ा सोचो। बिल्कुल भी नहीं गा सकते। क्यों? बिकॉज टुडे आवर अर्थ प्लेनेट हैज बिकम सो पॉल्यूटेड और सब तरफ यहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण है। अरे कभी कभी तो मुझे सांस भी नहीं आता। और कहीं पर पेड़ कट रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं बाढ़, जंगलों में अचानक आग लग जाती है और एनिमल किंगडम बर्ड्स ये सब खतरे में है। और हमारी खूबसूरत नदियां, तालाब, समुद्र सब जो है दूषित हो गए हैं और चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? Who is responsible for this? हम, we human beings, हम ही इस धरती को पॉल्यूट करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पमी मैम ने सोचा कि इतनी बातें मैं आपसे करती हूँ तो क्यों ना ऐसी कोई ऐसा लेसन करें जिससे आप सब लोगों को जागृति मिले, आप सब मोटिवेट हो कि हमें अपनी इस धरती को कैसे बचाना है। और इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। पमी मैम ने सोचा कि अर्थ डे की हिस्ट्री आपको बता दी है। जनवरी 1969 सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में एक शिप जो है वो समुद्र में खड़ा था और 3 मिलियन गैलन ऑयल उसमें से लीक हो गया और इतनी पॉल्यूशन पानी में हुई कि समुद्र में 10,000 सी एनिमल्स डाइड। और उस समय सब लोगों ने ऐसी त्रासदी के लिए कोई एक मुहिम चलाई। और अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ही इज सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन, जिन्होंने इतने प्रयासों
के बाद 7 साल की मेहनत के बाद 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया और उसमें 22 मिलियन अमेरिकन्स ने पार्टिसिपेट किया। और एक और नाम मिस लेती है, जूलियन कॉनिंग। जूलियन कॉनिंग ने ये जो अर्थ डे वर्ड जो है वो उन्होंने दिया, क्यों? क्योंकि 22 अप्रैल को उनका बर्थडे होता है, तो उन्होंने कहा बर्थडे अर्थ डे के साथ राइम भी करता है, तो तब से 22 अप्रैल को हर साल ये इंटरनेशनल इवेंट मनाया जा रहा है एंड 193 कंट्रीज हर साल इसे मनाती है। और अब आप ये लोगो देख रहे हो, इसमें 2 लेटर्स हैं, ENO। E means environment and O means organism। तो इतनी सारी बातें हो गई। और इस अर्थ डे वाले दिन जितने नेचर को प्यार करने वाले लोग हैं, इस धरती प्लेनेट अर्थ, ये एक ऐसा प्लेनेट है, इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर देयर इज लाइफ। यहाँ ऑक्सीजन है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रैलीज होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीटिंग्स होती है, फंक्शंस होते हैं, स्कूल्स में भी मनाया जाता है। पर इस साल कोरोना के कारण हम कहीं नहीं जा सकते, तो पमी मैम ने सोचा कि मैं आपको इस पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। पॉल्यूशन कई तरह की होती है, सी में जो होती है वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, तो हम सबको इसको बचाना है। तो अब ध्यान से मिस का आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें मिस आपको समझा रही है कि आप बच्चे और बड़े कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस धरती को फिर से खुशहाल बनाने के लिए। आग बरसती आसमान से, लगी है मचने हाहाकार, जीना है तो मुझे बचा लो, धरती हमसे कहे पुकार। तो हमें धरती को बचाने के लिए क्या क्या करना है? सबसे मेन चीज, प्लांट ट्रीज, प्रोटेक्ट योर जंगल्स। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, तो हमें क्या करना है? प्लांट्स लगाने हैं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। हरित का मतलब ग्रीन लैंड। यदि हम प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो फिर से जंगल हरे भरे हो जाएंगे और एनिमल किंगडम को कोई खतरा नहीं होगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो आप बच्चे अपने नेबरहुड के एक गार्डन को एडॉप्ट कर लो और वहां पर खेती करो, वहां पर प्लांट्स की देखभाल करो। एंड सेकंड, से नो टू प्लास्टिक। ये प्लास्टिक कभी ना खत्म होने वाली चीज है और हमारे हिल स्टेशंस और हमारी जो नदियां हैं वो प्लास्टिक के कारण चोक हो रही है। तो आप सबने प्रॉमिस करना है कि अब हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। और बहुत सारे डोंट्स हैं जो आपने करने हैं। डोंट बर्न क्रैकर्स, मैं दिवाली वाले लेसन में भी बोला था। डोंट बर्न लीव्स, क्योंकि जब आप क्रैकर्स और लीव्स जलाएंगे तो जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको गला चोक हो जाएगा, हमारा जो सब तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। डू नॉट लिटर, और कहीं भी पानी को भी पॉल्यूट नहीं करना, वाटर पॉल्यूशन भी नहीं करना। यू हैव टू अडॉप्ट 3 आर्स, 3 आर्स, और दे आर रिसाइक्लिंग, रीयूज, रिड्यूस। तो रिसाइक्लिंग को जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। रिसाइक्लिंग का मतलब है किसी चीज को हम चेंज करके फिर से यूज कर लेंगे। तो आप सबके घर में जब गार्बेज होता है उसको खत्म करना कितना मुश्किल होता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स कर लें, सेपरेट कंटेनर्स या बिन्स में उसको, कूड़े को इकट्ठा करें। क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक को अलग करो, ग्लास को अलग करो, पेपर को अलग करो, टिन को अलग करो, तो फिर उसमें रिसाइकिल कर सकते हैं ना उसको।
ये तो एक बात हो गई, और जो इतना गार्बेज है उससे लैंड फिल कर लो, उससे आप मिट्टी में गड्ढा खोद लो और अपने घर के लिए फर्टिलाइजर बना लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, यूज ग्रीन क्लीन एनर्जी। और सूरज हमें देता है क्या? सोलर एनर्जी। हवा हमें देती है विंड एनर्जी। तो आप भी यूज सोलर एंड विंड एनर्जी, ये भी बात मैंने आपसे कर ली। और जो रेन होती है उसके पानी से आप उस पानी को भी यूज कर सकते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, ये तो इतना ज्यादा हमारी इस प्लेनेट अर्थ को जो है पोल्यूट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कर सकते हैं कार पूलिंग कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, साइकिल में चले जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना तो वॉक करते हुए चले जाओ। एंड लव एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है। आप जब कमरा जाते हो ना, तो सबसे पहले कमरे की लाइट्स को बंद कर दो। जब आपका कंप्यूटर या टीवी वाला काम खत्म हो जाए तो वो बंद कर दो। और वाटर को कैसे सेव करना है भाई? जब सुबह सुबह आप ब्रश करते हो तो पहले टैप को बंद करो, और नहाते हुए रनिंग वाटर में नहीं नहाना, 5 मिनट्स में स्टोर करके पानी में नहाना है। तो कितना कुछ मैंने बताया, और जो मैंने रिसाइक्लिंग, रीयूज और रिड्यूस वाली बात की थी, रिड्यूस का मतलब है कि हमको कम कर देना है, अब ज्यादा चीजें नहीं खरीदनी भाई। भाई अपने जो आप टॉयज खेल चुके हैं, आपके पुराने कपड़े हैं, आपकी बुक्स हैं, उनको डोनेट कर दो टू द नीडी एंड द पुअर, तो आपकी चीजें रीयूज हो जाएंगी। तो कितना कुछ पम्मी मैम ने आपको बताया, इन सारी बातों को आपने दोबारा देखना है, इन चीजों के नोट्स बनाने हैं। पम्मी मैम आपसे पूछना चाहती है कि आप अर्थ डे पे क्या कर सकते हैं? आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई पोयम लिख लो भाई, और पोस्टर्स बना सकते हैं, स्लोगन्स बना सकते हैं। पम्मी मैम ने भी आपको दिखाने के लिए कुछ बनाया है, ये देखिए, ये है जो मैंने अभी आपको बताया, अर्थ को पॉल्यूशन से बचाने के लिए रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। और अर्थ डे का एक ये भी बना सकते हैं, अर्थ डे 22 अप्रैल, मेक एवरी डे अर्थ डे, अर्थ डे का ऐसा पोस्टर बना सकते हैं। एंड इसमें धरती क्या कह रही है, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर, सेव ट्रीज और पॉल्यूशन को खत्म करो, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। और धरती की ये पुकार जो है ऐसा कि धरती कह रही है मुझे बचाओ, सेव मी, आप मुझे सेव करेंगे तो मैं आपको जो है इतना कुछ दूंगी। और ये देखो, नो पॉल्यूशन, यहाँ फैक्ट्रियों का धुआं है और यहाँ ट्रीज, तो ये ऐसी धरती की हमें कल्पना करनी है। तो आप कुछ लिखें, कुछ बनाएं, इस लेसन को दोबारा देखें, तो मिस इस लेसन का एंड एक छोटी सी पोएम से कर रही है। अर्थ डे कम्स वंस अ ईयर, अर्थ डे कम्स वंस अ ईयर, बट वी शुड मेक आवर मैसेज क्लियर, लव एंड क्लीन आवर अर्थ ईच डे, लव एंड क्लीन आवर अर्थ ईच डे, मेक दैट प्लान टू स्टे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मेक एवरी डे ऑन अर्थ डे, मेक एवरी डे अर्थ डे।